हेलो जी, कैसे हैं? राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं कोई भी ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। आज मैं अपनी स्किन केयर रूटीन साथ आपके साथ शेयर करूँगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये मेरे पास एक कॉटन का रुमाल है। इस रुमाल से मेरे पास में ये गर्म पानी है और इससे मैं अपने चेहरे की को करूँगी क्लीन, साफ कर लूँगी अपने चेहरे को। बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरे चेहरे पर लगा और मैं वैसे कुछ भी लगाती भी नहीं हूँ। ये देखिए, मैंने साफ कर लिया है चेहरे को और अब मैं चेहरे पर करूँगी क्लींजिंग करूँगी मैं दूध से। हो गया मेरा चेहरा साफ और अब मैं करूँगी क्लींजिंग। ये देखिए, चेहरा मैंने पानी से वॉश किया है और देखिए कितना साफ दिख रहा है ना। वो इससे अच्छा निखार आएगा अब मेरे चेहरे पर। ये मेरे पास में कच्चा दूध है और इससे मैं करूँगी क्लींजिंग। वीडियो को फुल वॉच करना और आपको अच्छा लगे तो एक बार आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना। ये देखिए, मेरी क्लींजिंग हो गई है और इसको मैं एक या दो मिनट के बाद में इसको वॉश कर लूँगी। क्लींजिंग करने के बाद में मैं करूँगी स्क्रब। मैं कोई मार्केट वाला स्क्रब नहीं करूँगी, घर पे ही बनाया है मैंने। चावल के आटे से, चावल का आटा मोटा दरदरा पीस लिया और उससे ही करूँगी मैं स्क्रब। तो ये मैंने दोनों हाथों पर थोड़ा सा दूध लगा लिया और अभी मैं थोड़ी मसाज कर लेती हूँ। वो पार्लर वाले स्टेप कर लेते हैं, उससे अच्छा ग्लो आ जाता है चेहरे पर। ये देखिए, थोड़ा सा दूध लेकर और लगा लूँगी मैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है होम रेमेडी, बहुत ही अच्छी। मैं अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर यानी कि मैं 2-3 दिन से करती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। ये घर वाली करते हैं होम रेमेडी। मार्केट वाले तो कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो 2-4 दिन या 15-20 दिन तक उनका असर रहता है और इन चीज़ों का लाइफ टाइम तक असर दिखता है हमें और चेहरे पर एक भी दाग तब भी नहीं होते। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये देखिए, अभी मैं साफ करके और दिखाऊंगी आपको। ये मेरा स्क्रब है, चावल के आटे से स्क्रब करूंगी अभी मैं बोल तो रही थी, ये जब ये मैंने वीडियो शूट किया था तो मैं वॉइस भी दे रही थी पर मेरे पास में साउंड चल रहा था, सॉन्ग चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि कॉपीराइट ना आ जाए, तो मैंने वो वॉइस डिलीट कट कर दी और मैंने दूसरी वॉइस डाल दी। तो ये मेरा स्क्रब है, ये देखिए। स्क्रब मैंने बनाया है थोड़ा सा मौसमी का जूस, थोड़ा सा खट्टा दही और चावल का आटा मोटा दरदरा। ये हो गया मेरा स्क्रब और इसको
आपको भी मैं कर लूँगी साफ दो मिनट बाद में। स्क्रब करने के बाद में कितना अच्छा ग्लो, बहुत ही अच्छा निखार आ रहा है। और मैं तो बार बार यही बोलूँगी कि आप सभी भी ट्राई करना एक बार। अब लगाना है फेस पैक। फेस पैक में मेरे पास है थोड़ा सा बेसन, मौसमी का जूस और दही। इन तीनों चीज़ों से बनाऊंगी मैं फेस पैक और अपने चेहरे पर करूंगी अप्लाई और आपको दिखाऊंगी फिर इसका रिजल्ट। अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लूँगी और 10 मिनट के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कितना अच्छा निखार आता है इन चीज़ों से। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के भी ये होम रेमेडी काम आ सके और आप भी अपने चेहरे पर अच्छा ग्लो ला सकें। दस मिनट हो गए, 10 मिनट के बाद में मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी ये मेरा चेहरा। ये देखिए कितना अच्छा ग्लो है और आप सभी को भी पसंद आए तो ज़रूर करना एक बार ये चीज़ ट्राई। और कोई भी मार्केट वाली चीज़ नहीं है, एक भी पैसा नहीं लगने वाला आपका, जो है घर में ही है। नेचुरल जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनकी तो होड़ भी नहीं होती है और मार्केट वाली चीज़ों से बच सकते हैं हम। और वीडियो पसंद है वीडियो को